रहमान रहीम, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इफ टू फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड क्या सेम है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। वो दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों फोर्सेस क्या हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं विद ईच अदर, देयर रिजल्टेंट इज। तो बताइए इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा। एक फोर्स है एफ वन, दूसरी फोर्स है एफ टू, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ मतलब फोर्स लगा रही हैं, और बीच में एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों की मकदार जो है वो सेम है, यानी क्या ना सेम मैग्नीट्यूड। यानी ये जो एफ वन है वो राइट की तरफ वो खींच रही है, और एफ टू जो है वो लेफ्ट की तरफ, और दोनों एक दूसरे को जो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हैं, राइट और लेफ्ट की तरफ सेम फोर्स से खींच रही हैं। तो इसका मतलब है कि एफ वन भी राइट की तरफ नहीं जा पाएगी और एफ टू भी लेफ्ट की तरफ नहीं मूव कर पाएगी, क्योंकि दोनों की जो फोर्सेज हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल भी लिख दिया, एंगल ऑफ 180 डिग्री, मैंने आपको एंगल भी दिखा दिया 180 डिग्री विद ईच अदर, देन रिजल्टेंट। तो बताइए ऐसी कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होगा, यानी फोर्स क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप राइट की तरफ जाएंगे एफ वन, लेफ्ट की तरफ जाएंगे एफ टू, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो ज़ीरो बनेगी, यानी कोई फोर्स जो है हमारे पास नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या बनेगा हमारा, ज़ीरो बनेगा, ज़ीरो हमारा राइट आंसर है।